पूछे थे कि आप स्टार कितने लोग के बनाए हैं, तो हम स्टार नहीं बनाते हैं, हम स्टार लोग के गाना बनाते हैं। बुझाता बबुआ जी मोहे हैं। बच्चा थे मतलब समझिए 11-12 साल के होंगे, तो यही पटना लेके आए थे। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं टिंकू तूफान के स्टूडियो में, शिव शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो देख सकते हैं। और सभी थोड़ा सा कलाकार को दिखा दीजिए, सभी लोग यहाँ कलाकार है, सभी लोग बैठे हैं। आज सालगिरह मनाया जा रहा है, खुशी है, कैसी है खुशी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? आज पूरा लोग मतलब यहाँ पे जुटे हैं, अभी अंदर में भी है बहुत सारे, सभी लोग कलाकार है यहाँ पे। अच्छा खुशी, कौन कौन लोग यहाँ पे आए? सब लोग आए हैं, और हमारे इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, हमारे आदरणीय जितने भी लोग हैं, सब लोग आए हैं और बहुत प्यार मिल रहा है। मतलब आप लोग सबको इनवाइट किए थे? आज बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सबको इनवाइट किए थे, जो जो लोग मौजूद थे पटना में वो सब लोग आए हैं। और किसी कारण से, क्योंकि आप जानते हैं कि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो सब लोग अलग अलग कामों से व्यस्त हैं, किसी का प्रोग्राम है तो कोई बाहर है, तो जो लोग यहाँ पे पटना में मौजूद थे वो सब लोग आए हैं, जितने भी लोग को हम लोग बुलाए थे। क्या कुछ सुनाना चाहोगी आज के दिन में? आज खुशी का मौका है आज। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और सब लोग आए हैं, डेली तो सुनते ही हैं। एक गाना से स्टार हो यार, तो स्टार तो एक गाना नहीं सुनाएगा तो फिर कैसे होगा, इंटरव्यू तो बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर, डेली सुनाते ही है। तो एक सुनाओ ना आज, कम से कम तुम्हारे दर्शक है बहुत चाहने वाले। हाँ बिल्कुल, एक गाना मेरा आया है साड़ी ललकी, कि जब पहिरी त देह झलकी अपी असड़ी अले अदल लकी, जे बाजार से ले आई बबलम आ तो बेसे जी अप प्यार झलकी, आ मुस्का के हलकी हलकी हे गो सड़ी अले अदल लकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या सिंगर मनीता श्री। अच्छा मनीता जी पहुंची है, क्या कहेंगी आज? आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हमारे टिंकू सर का आज स्टूडियो का सालगिरह है, और आज इसके अवसर पे पूजा रखा है इन्होंने, और सब लोग कलाकार जितने भी सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं पूजा में। तो क्या कुछ दर्शक के लिए कुछ सुनाएंगे अपना गाना? हाँ, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, बहुत सारा गाना मेरा आया हुआ है मनीता श्रीदेवी के, आप लोग सर्च करें यूट्यूब पे। और अभी हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है, उस गाने का मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल एक डीएम सीएम जो गाना मेरा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, हमरा बुझाता बबुआ डीएम हुई है सीएम हुई है, उसी गीत को सुना देना चाहूंगी। कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुई है, कि ओह से उपरा अर डीएम हुई है हो, कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, कि ओह से उपरा पीएम होई है हो। चलिए बहुत सुंदर, बहुत काफी लोग है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि कैसा लग रहा है यहाँ पे, सभी लोग मतलब कि कलाकार है, न्यूज वाले हैं, सब लोग स्टाफ है, और यहाँ पे देख सकते हैं हवन हो रहा है, टिंकू जी यहाँ पूजा कर रहे हैं इसी स्टूडियो में। टिंकू जी हो गया पूजा? देखिए टिंकू जी यहाँ पूजा कर रहे हैं, और सब पूजा पाठ हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ पंडित जी को दिखाइए, कैसे हैं बाबा? ठीक है, हाँ गंगा न्यूज है, ये भी पवित्र है, गंगा जी के स्वागत है बाबा आप लोगों को, दोनों आदमी। एक मिनट, पांच साल से आप ही कर रहे हैं बाबा? हाँ, क्या नाम? अशोक पांडे नाम। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा एक मंत्र से सुना दीजिए, जैसे पूजा पाठ आप किए। हरि ओम मा ओम गणानंता गणपति गंगवामहे प्रियानंता प्रियपति गंगवामहे निधिनंता निधिपति गंगवामहे वशोमहं जानिगतं मातभजाशिगतं महा ओम श्री महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः उमा महेश्वराभ्यो नमः सचिवनन्दनाभ्यो नमः सर्वे देवभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणभ्यो नमः सर्वे दीभूतिशय दाना श्री महागणाधिपते नमः। अच्छा बाबा, आज नवरात्र स्टार्ट हुआ, माँ का आगमन हुआ है, क्या कहेंगे जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं,
भोजपुरिया परिवार देख रहे हैं, क्योंकि हमारे भोजपुरी का चैनल है तो भोजपुरिया परिवार देखता है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कुछ संदेश, कुछ अच्छी बात? वो तो सभी लोग आज कम तिथि सब किए हुए हैं, सबको सबके लिए दशहरा है पहले दिन, इसी में सबका खुशी भी है, बिल्कुल अच्छा भी लगता है। और जितने लोग माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी लोग को बना रहे। अच्छा टिंकू तूफान के स्टूडियो में मतलब आज पूजा पाठ कर आए हैं, मतलब कि कितना दक्षिणा उछिना मिला है? इतना ही देंगे कम से कम, नहीं कुछ तो 3,100 रुपया तो देवे करेंगे। 3,000 में मान जाइएगा लोग, इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर टिंकू तूफान है, दक्षिणा मांगने से नहीं मिलता है। अच्छा यथाशक्ति वैसा भक्ति है। अच्छा तो आप लोग खुश है ना बाबा? हम लोग खुश हैं। अच्छा से पूजा पाठ हो गया? बढ़िया से, बढ़िया से हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा टिंकू जी इधर आ जाइए, थोड़ा कैमरामैन आप थोड़ा दिखा दीजिए, प्रसाद अभी बटने वाला है। टिंकू जी आज क्या कहेंगे अपने भोजपुरिया परिवार अपने दर्शक से जो कि सालगिरह मना रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए स्टूडियो में इंटरव्यू लेने के लिए, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो क्या कुछ कहेंगे हमारे जो कलाकार नहीं पहुंच पाए हैं या जो आ गए हैं उनको यहाँ से धन्यवाद देंगे कुछ? कुछ कहेंगे? जो भी मेरे पास नहीं आ पाए और किसी कारण की वजह से नहीं आ पाए, ऐसा बात नहीं कि नहीं आते, वो सब हमसे प्यार करते हैं और सभी लोग आते हैं, और जो नहीं आए उनको यहीं से प्रणाम। अच्छा? और जो आए उनको दिल से प्रणाम। बिल्कुल। अच्छा स्टूडियो कब ओपन किए थे शुरू बार? 2019 में। मतलब कितना साल हो गया? 5 साल। अच्छा 5 साल का ये सफर मतलब कैसा रहा अभी तक? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, त्रुटि? नहीं नहीं कुछ दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा अभी तक किन किन स्टारों को आप यहाँ से गवा चुके हैं, यहाँ से म्यूजिक बना चुके हैं आप? सब लोग के लिए। तो नाम तो रखिए कम से कम, सब तो मैं टोटल हो गया बोल रहे। खेसारी भैया के लिए बनाया है, समर भैया के लिए बनाया है, हमारे गुंजन भैया के लिए बनाया है, पहले भोजपुरी को बता दे उसके बाद मगे के, और हमारे अक्षरा जी के लिए बनाया है, और शिल्पी जी के लिए बनाया है, अनुपमा जी के लिए बनाया है, खुशी के लिए बनाया है, और अजीत भैया के लिए बनाया है, अजीत आनंद भैया, और आनंद मोहन बाबा के बनाया है। अब बिना अंकल तो यहाँ जानवे करते हैं तो, परमानेंट तो सब लोग जान रहे हैं परमानेंट है। हाँ और मतलब लगभग लगभग कलाकार भोजपुरी के, मगही के, मगही के तो ऑल टोटल, ऑल टोटल। अच्छा स्टार अपने हाथों से कितने लोग को यहाँ से मतलब स्टूडियो से जो कि एकदम काफी बजने लगा? देखिए एक और जैसे आप ही जैसे इंटरव्यू कर रहे हैं ना, एक और लोग पूछे थे कि आप स्टार कितने लोग के बनाए हैं, तो हम स्टार नहीं बनाते हैं, हम स्टार लोग के गाना बनाते हैं। अच्छा गाना तो बनाते हैं तो गाना से ही म्यूजिक से स्टार बनता है वही गाना है ना। तो जितने भी हमारे दर्शक भाई सुन रहे हैं, जितने भी कलाकार का मैं गाना बनाता हूँ, आप लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह से आशीर्वाद प्यार देते रहिए। देते रहे। हाँ और देखिए ये बताने की कितने लोग आप स्टूडियो खोले तब से पूछ रहे हैं सवाल। हाँ, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि हम शुरुआत कैसे किए हैं। हाँ तो कैसे किए तक इतना इंटरव्यू लिया है, लेकिन आप पूछे नहीं। अच्छा कैसे, तो आप ही बता दीजिए कैसे शुरुआत किए। हम बताते हैं, मेरे पास अभी आए हैं, उनसे मिलवाना चाहता हूँ कि हमको पटना में कौन लेके आए हैं। देखिए अभी यहाँ पे आइए दादाजी, आइए दादाजी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, आइए थोड़ा सा। यही यही है जो हमको पटना लेके आए हैं, देखिए यही लेके आए। अच्छा क्या नाम हुआ? थे ना इतने को थे, बच्चा थे, मतलब समझिए 11-12 साल के होंगे। अच्छा। तो यही पटना लेके आए थे। अच्छा। ना गांव से, और एक गाना हम गांव में सुने थे, सुनाए थे इनको, और यही मेरे गाना सुने और मुझे पटना लेकर के आए। अच्छा। तो अच्छा क्या सोच के लेके आए कि गायक बनाएंगे? हाँ हीरो बनाएंगे, गाना गवाएंगे, मतलब गायक बन के। लेकिन आप म्यूजिक डायरेक्टर? हम म्यूजिक डायरेक्टर बन के बैठे। अच्छा वो वाला शुरू वाला कौन सा गाना था जो आप गाए थे? देखिए शुरू का जो गाना होता है सबका तो वैसा ही होता, सुना नहीं सकते। हाँ तो मेरा गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था एक, कि मानव न मिले आई बे करब तोहरा से चौठारी में, तो धुकुर धुकुर जिया करे करे जाऊ मिले न यह ससुरारी में।
अच्छा महाराज, इतना अच्छा गाते हैं महाराज, आप गायक काहे नहीं बने, म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बने? देखिए हम आपको बता दें कि हम गाना गाने लगेगा ना, तो ये जैसे कलाकार हैं, ये भी कलाकार हैं, मेरे पास जितने हैं सब कलाकार हैं, आना बंद कर देंगे यार, ये अपने गाने लगाइए, चलो दूसरा स्टूडियो में चलिए। ये भी अच्छा, क्या सोच के आप लेके आए थे? इनको पापा जी हमको दोस्त हैं, गए थे इनको घर, इनको पापा बोले कि जजा से हमको वो लड़का है उनको ले लीजिए इनको, हम ठीक है ले चलेंगे, हमको लीची दुकान था हम कारगिल चौक पर, ठीक है ले जाएंगे इनको, लाए तो क्या सोच के लाए थे आप? यहाँ से कहें कि हम गाना गावेंगे। अच्छा, तो इस लाइन से थोड़ा भी जानकारी था आपको? जानकारी हमको नहीं था, कहें कि हम ये स्टूडियो में धरा दिए थे यहाँ दरियापुर में, अच्छा प्रदीप के यहाँ गाते रहो, हाँ गाइए। अच्छा, तो वहीं पर सीखा, इनको रास्ता तक बताए कि ऐसे नहीं से आइएगा, जानकारी नहीं ने था। तो वहाँ से 5 साल इनको अपना मनो खाना पीना नाश्ता, नाश्ता में लिट्टी चोखा, अब खाना में जो खाए से बिहार का मशहूर खाना है। अच्छा, आप लोग सुन लीजिए, देखिएगा कैसे कैसे टिंकू तूफान यहाँ तक पहुँचा। वही साथ में सुतते थे, सुताते थे, नहाना पीछना सब देते थे, कोई दिक्कत नहीं होवे दिए। अच्छा, तो वहाँ से फिर चला है यहाँ मंदिर में, यहाँ कुछ सीखे कुछ वहाँ सीखे, इनको फिर विचार दिए कि अब मानो हीरो नहीं बनेगा कलाकार, कोई स्टूडियो खोलो, कहीं की नहीं से गया में खोलेंगे। हम इतना तक बोले कि देखिए साहब को पढ़ते वाला आदमी यहाँ है, यहाँ का आदमी तो गया नहीं जाएगा कोई, यही खोले थे मन, हम दे ही मदद किए, कोई मनो ऐसा नहीं। लेकिन आप तो गायक बनाने के लेके आए थे, हीरो बनाने के लिए आइए लगे म्यूजिक घर बुनिया, ठीक है देखे की हम नहीं निकल पाएंगे, निकलने के सक्सेस करने में बहुत समय लगेगा। बढ़िया तो गाते हैं हमारा, इतना सुंदर ठीक है, लेकिन अपना सोच इनको आया कि हम स्टूडियो कलाकारी ज्यादा सीखिए, स्टूडियो वाला कलाकारी ज्यादा सीखिए ना, वही में निकल गए। अच्छा, इनको गाना फिर से गाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सिंगर है, इनको गाना आप ही बताइए, आप ही बताते हैं, गा देंगे। तो इनको समझाते कहीं नहीं कि गाना है, गाइए आप भी मार्केट में कि तालका मचाइए। नहीं, कुछ कुछ गाना भी गाते हैं, गाते हैं, लेकिन समझा दीजिए, पीछा में समझाया कीजिए, कलाकार जहाँ भूल जाते तहाँ बताते हैं, हम तो यहाँ सुनते हैं नहीं लेकिन मोबाइल पर सुनते हैं। कलाकार को बताते अपना रिकॉर्ड करके न्यूज चैनल पर नहीं ना डालते हैं कि चारों तरफ गाना बजे, जैसे खेसारी जी पवन जी सबको बचता है उस तरीके, चैनल पर नहीं डालते हैं। नहीं डालते, गलती करते हैं कि नहीं आप बताइए? गलत, अब देखिए अभी अगर गाना में लग जाते हैं तो ही भूल जाएंगे। अरे भूल कैसे, एक आधो इसी में से गा के छोड़ देना है, बजते रहे, छोड़ना चाहिए, छोड़ दे, आपको कितना खुशी होगा अगर ये गाना गाए, बहुत खुशी होगा, क्योंकि आप लाए थे गायक बनने के लिए, बहुत खुशी है हर दुनिया बजाने, बताइए बहुत खुशी है, खुशी है। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को, जितने लोग देख रहे हैं? नहीं ठीक है, अब उन लोग का क्या कहेंगे, गलत किए कि सही किए, अब तो उन्हीं लोग बतावेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप लोग बताइएगा टिंकू जी के बारे में, टिंकू जी क्या कुछ कहेंगे चलते चलते हमारे? जितने भी गंगा न्यूज के माध्यम से हमें देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में, टिंकू जी के स्टूडियो के बारे में, इनके गाने के बारे में, इनके म्यूजिक के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।